हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। और जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए बनाते हैं चाउमीन। तो गाइस, चाउमीन बनाने के लिए हमने ये एक भगोने में पानी ले लिया है। पानी हम ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें इसमें नूडल्स को उबालना है। तो इस पानी को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक और इसको गर्म होने देते हैं। और चाउमीन में डालने के लिए हमने ये सब्जी काट ली हैं। इसमें पत्ता गोभी ली है, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और हमारा पानी गर्म हो रहा है तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो गाइस, ये हमारा पानी गर्म हो गया है और हम इसमें ये नूडल्स हमने ले लिए हैं और इनको हम दो पीस में करके इसमें डाल देंगे उबलने के लिए। इस तरह से लेंगे और ये तोड़ देंगे, इससे छोटे नहीं करेंगे, केवल दो टुकड़ों में ही करना है हमें। और इसमें हम ये उबलने डाल देंगे और इन्हें हमें पूरी तरह से नहीं उबालना है, थोड़े कच्चे छोड़ देना है, लगभग 80% इन्हें उबालना है और बाकी जो है इसे कच्चे रखना है क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बाकी ये सब गल जाएंगे। और इस तरह से इन्हें हम पानी में उबाल लेंगे। इतने हमारे नूडल्स उबल रहे हैं, हम अपना सब्जियों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तो हमने भगोना इधर रख दिया है, इसमें नूडल्स उबल रहे हैं और अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए। हम बीच बीच में इन्हें चेक करते रहेंगे नूडल्स को। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम इसमें तेल डाल लेंगे। ये हम 3-4 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और गर्म होने देंगे और उसके बाद हम सब्जी फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। और इसको फ्राई करेंगे। सब्जियों को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, उन्हें भी हमें थोड़ा सा कच्चा ही रखना है ताकि उसका क्रंच बना रहे। और ये देखिए, हमारी गाजर फ्राई हो रही है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। और सब्जी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। अब ये जो हमने पत्ता गोभी काट के रखी है इसको भी इसमें ही डाल देंगे।
अब ये हम सब्जी सारी अपनी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारे नूडल्स गल गए हैं और भी ने छलनी में छान लेते हैं। इन्हें हम छान लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ऊपर से, ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह से छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये नूडल्स हम अपने जो हमने सब्जी है भुनी है उन्हीं में डाल लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और हल्का सा नमक और डालेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉस। ये हमने लिया है सोया सॉस। तो इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। और इस तरह से चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच टमाटो सॉस। तो देखिए गाइस, हमारी चाउमीन तैयार हो गई है। तो गाइस, हमारी ये वेज चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये कितनी अच्छी बनी है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस देखिए, ये हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। तो गाइस, हमारी वेज चाउमीन बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और आपको जरूर पसंद आने वाली है। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।